बीपीएससी पेपर लीक कांड में आरोपित मोहम्मद अफ्ताब उर्फ राजा से शनिवार देर रात दरभंगा जिला के लहरियासराई नगर थाना में पूछताछ की गई। गहन पूछताछ के बाद रात में ही उसे छोड़ दिया गया। बता दें कि आर्थिक अपराध ईओयू की 4 सदस्य टीम ने स्थानीय पुलिस की सहयोग से शनिवार रात करीब 10 बजे लालबाग स्थित अंसारी मोहल्ले में छापेमारी की। मोहम्मद अफ्ताब के घर पर नहीं मिलने पर पुलिस उनके भाई को मोहम्मद रिजवान को हिरासत में लेकर थाने पर आई। अफ्ताब किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने करमगंज मोहल्ले में गया था। रात करीब 2 बजे घर लौटने पर इसे इस जानकारी मिली। इसके बाद वह नगर थाना पहुंचा। वहां दोनों भाइयों से गहन पूछताछ की गई। ईआईओ के अधिकारियों ने उनसे कई सवाल किए। उन्होंने ईआईओ के अधिकारी से कहा कि बीपीएससी पेपर लीक कांड में उनकी कोई सहभागिता नहीं है, पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है। अफ्ताब और उसके भाई रिजवान का मोबाइल फोन जब्त कर दोनों को छोड़ दिया। साथ ही उनसे कहा कि दोनों मंगलवार को पटना ईआईओ के कार्यालय में आए। फिलहाल ईआईओ की दोनों भाइयों के मोबाइल फोन को खंगालने में जुटी हुई है। बता दें कि आफ्ताब अपने भाई के साथ लालबाग में ही टायर पंक्चर बनाने की दुकान चलाता है। एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि ईआईओ की टीम शनिवार रात को मोहम्मद आफ्ताब की तलाश में दरभंगा पहुंची थी। टीम को पुलिस बल उपलब्ध कराया गया। इस दौरान टीम के साथ दरभंगा पुलिस का टेक्निकल सेल भी मौजूद था। ईआईओ के अधिकारियों को आगे भी इसी तरह सहयोग किया जाएगा। पूछताछ किया गया था, क्या कहा उन्होंने? बस वही हमसे बार बार वही सवाल कि मोबाइल में ऐसे है वैसे है, कुछ फ़ोटो वगैरह दिखाएं, किसको जानते हो उसको जानते हो। ये मामले हम किसी को नहीं जानते हैं, बस यही सब, और कुछ तो है नहीं इसमें मेरा। बस यही बार बार बोले तुम्हारे फ़ोन से किसी को हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ है बस। और उस हॉटस्पॉट से क्या हुआ और क्या? हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके किसी को मेल ईमेल वगैरह नया जीमेल बना करके किसी को कुछ भेजा गया है, बस इतना ही उन्होंने मुझे बताया। फिर क्या मोबाइल? हाँ, मेरा मोबाइल उन लोगों के पास है, वो बोले कि मंगलवार को आकर के अपना पटना से ले। और किसको ले जाते थाने? हम तो जिस वक्त नहीं थे, हम तो शादी में थे, हमको फ़ोन करके बोला मेरे भैया को लेके गए थे, तब उनके बाद हम पीछे से गए थे। काफ़ी सारे लोग भैया और सब लोग हम लोग गए थे, 10-15 आदमी। कितने की टीम थी लोग? 3 आदमी थे, हमसे जो पूछताछ कर रहे थे वहाँ पर 3 लोग थे। हमारे सामने जो थे 3 आदमी थे और बाकी उनके साथ जो थे अगल बगल में खड़े हुए थे, तो हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ है छोटा वाला भाई। तो उसको शादी में गया हुआ था, आया फिर हमको लेकर के गए थाना, तो हमसे पूरा फैमिली डिटेल पूछे, तो हम सारा चीज़ बताए। और बताने के बाद सवाल जो पूछ रहे थे, सब लोग क्या करते, बहन क्या करती है, भाई क्या करता है, सबके बारे में हम बताएं। और मेरा भी फ़ोन वहाँ पर चेक हुआ, मतलब व्हाट्सअप हो या गैलरी हो, उस सब में कुछ ऐसा नहीं मिला, कुछ है ही नहीं, हम लोग इस सब मैटर में है ही नहीं, हम लोगों को इस सबसे कोई लेना देना है ही नहीं। क्या?